नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शक्ति या पावर। तो शक्ति क्या है? दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता। मतलब हम दूसरे के आचरण को, हमारा जो टारगेट है या लक्ष्य है, उसके अनुसार हम एडजस्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारे पास क्या हो, पावर, या व्यक्तियों तथा उसके व्यवहारों को नियंत्रित करने की क्षमता। अब हम प्रकार देखते हैं शक्ति के। तो गोल्ड हैमर ने 3 प्रकार बताए हैं। एक तो बल। बल का उपयोग करके हम दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। प्रभुत्व, आदेश की शक्ति, प्रभुत्व। तो आदेश की शक्ति द्वारा हम दूसरे के व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा है चातुर्य। मतलब इसमें ना शक्ति का उपयोग करना है ना प्रभुत्व का, इसमें चालाकी से या युक्ति के अनुसार दूसरे के व्यवहार को हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित। मैक्स वेबर ने कहा इसके 2 भाग हैं, एक है औचित्य, एक है अनौचित्य। औचित्य जैसे परंपरा, करिश्मा तार्किकता। मतलब जैसे शक्ति है, जैसे कि परंपरा के अनुरूप जैसे राजा महाराजा होते थे, तो उसमें जो पावर थी वो परंपरा के अनुसार एक से दूसरे में आती रहती थी। करिश्माई शक्ति, मतलब मान लीजिए कि किसी इंसान में कोई विशेष क्वालिटी है, ठीक है, कुछ विशेष क्वालिटीज़ हैं, तो एक करिश्माई गुण रखता है। जैसे कि गांधी जी एक करिश्माई गुण रखते थे जिसके तहत वो दूसरों से अपनी बात मनवा लेते थे। तार्किकता के आधार पर भी हम अपने लक्ष्य के अनुरूप दूसरे के व्यवहार को परिवर्तित कर सकते हैं। तार्किकता का गुण होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों अनौचित्य में, कहें तो प्रभुत्व जता करके, ठीक है। आगे हम बात करते हैं स्रोत की। तो इसके स्रोत क्या हैं शक्ति के? तो पहला है ज्ञान। अगर आपके पास सही ज्ञान है तो उस ज्ञान का उपयोग करके आप दूसरे के व्यवहार को अपने अनुरूप परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों उपलब्धियाँ। यदि आपके पास उपलब्धियाँ हैं तो उसके द्वारा भी, उनका उपयोग करके भी आप दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। संगठन के द्वारा, विश्वास व विचार के द्वारा भी परिस्थितियाँ जन्य शक्तियाँ होती हैं। मतलब कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसमें किसी एक व्यक्ति को कुछ शक्तियाँ प्रदान कर दी जाती हैं। सत्ता भी शक्ति प्रदान करता है। तो ये निम्न कारण हैं। कोई संगठन का निर्माण अगर आप करोगे तो ऑब्वियस है आपको किसी एक व्यक्ति को या अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग शक्तियाँ सौंपनी पड़ेंगी। तो ये स्रोत हैं शक्ति के, ज्ञान हैं, उपलब्धियाँ हैं, संगठन हैं, विश्वास व विचार हैं, परिस्थितियाँ हैं और दोस्तों सत्ता है। आगे हम बात करते हैं विशेषताओं की। तो पहली बात है कि ये संवादात्मक होती है। मतलब इसमें अगर आप मान लीजिए कि किसी संगठन में कोई हायर अथॉरिटी है, वो अपने सबोर्डिनेट पर शक्ति का यूज़ करती है, मतलब उन्हें अपने लक्ष्य के अनुरूप कार्य करवाती है, तो सिंपल सी बात है उनमें एक क्या है, संबंध है, तो संबंधात्मक है। औचित्यपूर्ण है, मतलब कि जो शक्ति है ये औचित्यपूर्ण होती है। तीसरा, विभिन्न रूपता होती है शक्ति में। कैसे? पॉलिटिकल, रिलीजियस और वैचारिक। इसके अलावा जो शक्ति है वो अमूर्त होती है और पारिस्थिति जन्य भी होती है शक्ति, ठीक है। मतलब किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष व्यक्ति के पास शक्ति आ जाए, ऐसा भी संभव होता है, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं कि शक्ति प्रयोग के तरीके, ये हैं दोस्तों आग्रह द्वारा। आग्रह कर सकते हैं आप किसी से। पुरस्कार द्वारा भी आप किसी से उसके अपने लक्ष्य के अनुरूप व्यवहार करवा सकते हैं। दंड द्वारा या बल प्रयोग के द्वारा। अब है सीमाएं। तो यह जो शक्ति है वो लक्ष्यों से सीमित होती है। मतलब ये नहीं है कि आप किसी पर कितनी भी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, जो आपका लक्ष्य है केवल उसी के अनुरूप आप शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। इसका निरपेक्ष प्रयोग संभव नहीं है। इसके अलावा
इतिहास, धर्म परंपरा, नैतिक मूल्यों से ये सीमित होती है। इसके अलावा राज व्यवस्था शक्ति पर प्रतिबंध लगाती है। ठीक है दोस्तों, जो राज व्यवस्था होती है वो शक्ति पर क्या लगाती है? प्रतिबंध। अब हम देखते हैं शक्ति के प्रकार। तो शक्ति के प्रकार में सबसे पहले है राजनीतिक शक्ति। तो राजनीतिक शक्ति इच्छित राजनीतिक विषयों को अपने प्रभाव में लाना तथा पद व प्रतिष्ठा प्राप्त करना। राजनीतिक शक्ति क्या है दोस्तों? जो आपके इच्छित राजनीतिक विषय हैं उनको अपने प्रभाव में लाना तथा पद व प्रतिष्ठा प्राप्त करना, ये राजनीतिक शक्ति है। ये औपचारिक और अनौपचारिक भी हो सकती है। औपचारिक राजनीतिक शक्ति की बात करें तो हम जानते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के द्वारा हम क्या करते हैं? राजनीतिक शक्ति का औपचारिक रूप से उपयोग कर सकते हैं। अगर हम अनौपचारिक राजनीतिक शक्ति की बात करें तो इसमें आता है दबाव समूह, राजनीतिक पार्टी और प्रभावशाली व्यक्ति। ये अनौपचारिक रूप से शक्ति का उपयोग करते हैं। अब है आर्थिक शक्ति। तो आर्थिक शक्ति के दो भाग हैं, एक है उदारवादी और एक है मार्क्सवादी। उदारवाद क्या कहता है? कि सभी लोगों पर संसाधनों का समान बंटवारा होना चाहिए। और मार्क्सवाद जो है दोस्तों, ये पूंजीवाद का समर्थन करता है। तो आर्थिक शक्ति के भी दो पक्ष हो गए, एक उदारवाद और एक मार्क्सवाद। विचारधारात्मक शक्ति, ये साम्यवाद और नक्सलवाद की बात करती है। मतलब यहाँ पर विचारधारा से शक्ति प्राप्त हुई है, जैसे कि साम्यवादी और नक्सलवादी। अब हम बात करते हैं शक्ति की संरचना की। तो एक है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, ये मार्क्सवाद ने दिया। इसमें यह कहा गया है कि आर्थिक रूप से ताकतवर व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति पर शक्ति का उपयोग करेगा। अगला है दोस्तों विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, जो कि विशिष्ट और सामान्य दो ग्रुप में डिवाइड करता है। कि जो विशिष्ट वर्ग है इनके पास शक्ति का आधिक्य होगा और ये सामान्य जो वर्ग है इनका उपयोग करेंगे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु। अब यहाँ पर विशिष्ट वर्गों में चाहे राजनेता आए, चाहे बिजनेसमैन आए, कोई भी आए, ये सामान्य वर्ग का उपयोग करते हैं अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु। नारीवादी सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत ये कहता है कि जो शक्ति है वो मेन किस में है? पुरुषों में। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो नारीवादी सिद्धांत में जो शक्ति का मुख्य स्रोत है वो किसे माना गया है? पुरुष को। अगला है बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत ये कहता है कि जो सारी शक्ति है वो एक वर्ग के हाथ में ना होकर समूह में बटी होती है। क्या कहता है दोस्तों बहुलवादी सिद्धांत? कि जो पावर है वो एक वर्ग में ना होकर कहाँ होती है? कई वर्गों में बटी हुई होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हमारा टॉपिक था शक्ति का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जैसा भी हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।